हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास आया है एक इमरजेंसी लाइट आया है रिपेयर होने के लिए। तो इसका प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल डेड है, ये कंडक्शन में नहीं चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं ऑन करके भी दिख रहा हूँ तो ये ऑन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इस पर फॉल्ट क्या है। पहले इसको खोलते हैं तब देखते हैं इस पे प्रॉब्लम क्या है। इस तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको इसको एक बार रिपेयर होने के लिए दिया था, कस्टमर ने बोल रहा था। तो बोल रहा था ये इसको पहले ये बैटरी चेंज किया है इसको अंदर का, तो अगर तो वही रिपेयर होने के लिए दे रहे थे। तो चलिए इसको देखते हैं इस बार क्या फॉल्ट हुआ है इसको। तो जो इसको रिपेयर किया है तो वो दो ही नट दिया है। सॉरी, ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, देख सकते होंगे। तो अब खुल चुका ये। तो देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये खुल चुका, अब देख ही सकते होंगे। तो ये बैटरी, तो दो बैटरी दिया हुआ है ये। ये भी नष्ट हो चुका है, ये दिखाई तो दे रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पावर सप्लाई के है। तो इससे ये तो नष्ट हो चुका है ये। तो कोई बात नहीं, कस्टमर ने बोला था ये हम लोग का एडाप्टर से चार्ज देता है, ये 12 वोल्ट की एडाप्टर से। तो ये हम लोग का कोई काम का नहीं है, तो रिपेयर भी नहीं करेगा। तो ये बैटरी हम लोग का पैरेलल पे दिया है। इसका हम लोग का बड़ा बैटरी था 4 वोल्ट की, तो इसलिए हम लोग का 2 बैटरी लगा दिया है। तो देख ही सकते होंगे 4 वोल्ट का बैटरी है ये, 1.5 एम्पियर का। तो 1.5 एम्पियर करके 3 एम्पियर हो गया। तो इसको खोलते हैं, पहले देखते हैं इसको वोल्टेज है ना नहीं, देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज है ना नहीं चेक कर लेते हैं। कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए मैं ये बैटरी को खोलता हूँ, पहले देखते हैं ये बैटरी चार्ज करके। तो चलिए चार्ज करके देखते हैं। देखते हैं पॉइंट टूटता है ना नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये इस तो मैं चार्ज तो देता हूँ, तो ये थोड़ा 2 मिनट देख लेता है, 1-2 मिनट देखे। देखते हैं अब।
देखिए दोस्तों, एक चार्ज तो अब खुद ब खुद कम रहा है, ये आप देख ही सकते होंगे। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको सही रखता हूँ। देखिए कम रहा है। पर थोड़ा देखते हैं, ये चार्ज हम लोग को बैटरी डाउन हो चुका है पोपटा जी का से। देखते हैं चार्ज उठता है ना नहीं। चार्ज उठेगा अभी, लेकिन चार्ज नहीं हम लोग का टिकेगा पोपटा जी का, तो चार्ज भी नहीं टिकेगा। चार्ज कम रहा है, देख ही सकते होंगे दोस्तों कितना जोर जोर से कम रहा है चार्ज। देखिए ये हम लोग का बैटरी डेड पड़ गया है, ये हम लोग का बैटरी काम का नहीं है। रखते हैं इधर, इस पे हम लोग का क्या करना पड़ेगा मैं चेक करके देख लेता हूँ, और भी प्रॉब्लम है क्या। तो चलिए देखते हैं और भी प्रॉब्लम है क्या। मैं थोड़ा रखता हूँ इधर, देखते हैं 12 वोल्ट। देखे बाद में देखते हैं, तो इसको मैं पहले इसको ऑन करके देखता हूँ इस पे प्रॉब्लम और भी है क्या। तो आपको मैं लेता हूँ एक लिथियम एन बैटरी, देख ही सकते होंगे। तो ये हम लोग का 3.6 वोल्ट के करीब है, हम लोग का 2900 MAH का बैटरी है ये। चलिए ये हम लोग का टिप पॉजिटिव, ये हम लोग का पॉजिटिव है, ये हम लोग का माइनस है नेगेटिव, ये हम लोग का पॉजिटिव है। तो देखते हैं ये जल रहा है ना नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का बैटरी ही प्रॉब्लम है, आप देख ही सकते होंगे ये जल रहा है। तो चलिए ये हम लोग का बैटरी ही खराब निकल गया, तो मैं तो ये बैटरी नहीं दूंगा, मैं दूंगा लिथियम एन बैटरी। इसको एम्पियर बढ़ा दूंगा पैरेलल पे कनेक्शन करके, ये 3 बैटरियाँ। ये आपको मार्केट पे आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएगा। ये हम लोग का एम्पियर बढ़ेगा तो हम लोग का चार्ज भी ज़्यादा टिकेगा लाइट पे। हम लोग का वोल्टेज रहेगा 4 वोल्टेज, आप दिखाई दे रहा है 4 वोल्टेज रहेगा। तो हम लोग का एक में तो हम लोग का 3.7 वोल्ट की करब आता है, तो हम लोग का एम्पियर बढ़ेगा वोल्टेज उतना ही रहेगा। तो चलिए इसको पैरेलल पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हम लोग का नेगेटिव नेगेटिव 3 नेगेटिव एक साइड और 4 3 पॉजिटिव एक साइड। तो चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं। इसको पहले आपको टेप मारना पड़ेगा ये ठीक से। तो चलिए मैं इसको टेप लगा लेता हूँ। मैं ऐसे दूंगा, ऐसे आपको
तब देखिए मैं इसको टेप प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ, ये छूटे नहीं। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ कितना वोल्टेज है एक बैटरी पे। तो चलिए हम, तो देखिए दोस्तों ये हम लोग का 3.4 वोल्ट के करीब दिखाई दे रहा है, ये भी 3.4 वोल्ट के करीब, ये भी 3.9 वोल्ट के करीब। तो ये हम लोग का 4 वोल्ट के करीब आता है। तो ये हम लोग का एम्पियर बढ़ाएंगे। तो चलिए इसको पैरेलल पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये करना क्या पड़ेगा, अब देखिए एक वायर ले लीजिए ऐसे, ऐसे आपको वायर लेके आपको इसको छील लेना है। और सोल्डिंग करने से पहले इसको थोड़ा घिस लेना है, घिसने से सोल्डिंग चिपक जाएगा अच्छा से। तो चलिए थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं इस पर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा ये थोड़ा माटी पे लगाया था ये। तो चलिए ये थोड़ा पेस्ट लगा लेना है इस पर। थोड़ा इस पर आपको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे इसलिए। थोड़ा टाइट करके आप लोगों को देना पड़ेगा ये। तो देखिए दोस्तों ये मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ अच्छा से ही। तो आपको इस साइड से वायर कट कर देना है, ये थोड़ा लूज हो गया, कोई बात नहीं, मैं सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। ये टाइट हो चुका है, चलिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ ये। कोई बात नहीं, मैं अब इस साइड करूँगा। चलिए मैं इसको फिर से छील दे रहा हूँ।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, नया है तो चैनल के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरे को भी जो कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा, उससे जाके मेरे इंस्टाग्राम की फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूँ पहले, जैसे ही किया था उस साइड। तो आपको थोड़ा सोल्डिंग कर देना बैटरी के ऊपर। तो चलिए इसको सोल्डरिंग करते हैं अब। ये थोड़ा सोल्डरिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ये हो गया। इसको तो हम लोग का इधर थोड़ा वोल्टेज भी कम है आज, इसलिए थोड़ा हीट नहीं हो रहा है सोल्डरिंग आयरन। तो कोई बात नहीं, ये हो गया। तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। तो चलिए इसको मैं देखते हैं, ये हम लोग का वोल्टेज एम्पियर बढ़ाइए। तो देखिए दोस्तों, वोल्टेज भी उतना है 3.6 वोल्ट के करीब। तो एक मान के चलिए हम लोग का 3 बैटरियाँ हैं, तो ये हम लोग का 2200 एमएच की बैटरी हो गया, तो 3 तो हम लोग का 2 करके 6000 एमएच की बैटरी हो गया, 6500। तो ये हम लोग का 6600 एमएच की बैटरी, तो ये हम लोग का 2000 2000 6000, और ये हम लोग का 200 करके 2200 एमएच की बैटरी है, 2200 एमएच की बैटरी आप देख ही सकते होंगे। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिए दोस्तों। तो चलिए ये हम लोग का चलेगा ज़्यादा, तो देखते हैं। ये हम लोग का पॉजिटिव है, ये हम लोग का नेगेटिव। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का तो चार्ज ही कम है, चार्ज देना पड़ेगा, देख ही सकते होंगे जल रहा है। तो चलिए मैं इसको पहले इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। चलिए मैं इसको सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। ये हम लोग का सोल्डिंग एक साइड हो गया, और बचा एक साइड। तो मैं इसको थोड़ा पेस्ट लगा लूँ। आपको थोड़ा देख लेना ऐसे करके। इस जगह पे सोल्डिंग नहीं पका रहा है ठीक से, तो इस जगह पे हम लोग सोल्डिंग करेंगे। तो इस साइड हम लोग का पकड़ लिया है,
चलिए देखिए दोस्तों, ये हम लोग का जल रहा है। ये हम लोग का ऑटोमेटिक है, थोड़ा बहुत जलेगा, आप देख ही सकते होंगे। ये हम लोग का ऑफ हो गया, ये थोड़ा हल्का जल रहा है, देखिए। अब ये हम लोग का फुल ब्राइटनेस, ये हम लोग का चार्ज भी कम है, तो चलिए मैं इसको लगा दे रहा हूँ। थोड़ा कैमरा का मैं कर लेता हूँ ऊपर। अब ये बैटरी हम लोग का चिपकाना है एक साइड, देखते हैं। ये बैटरी आप लोग को चिपका देना है, ये बैटरी हिले नहीं, हिलने से ये। तो चलिए मैं इसको टेप देके चिपका लेता हूँ एक साइड। मिले नहीं उतना, तो ये हम लोग का चिपक गया दोस्तों, देख ही सकते होंगे। तो चलिए मैं इसको लगा दे रहा हूँ। सॉरी सॉरी, ये था इस साइड। तो इस साइड से हम लोग का तो ये हम लोग का तो नष्ट हो चुका है, तो इसका वायर हम लोग का निकाल देंगे। ये हम लोग का एडाप्टर से चाहिए देगा, ये बस बैटरी पे अटैच नहीं होगा। तो देख ही सकते होंगे ये हम लोग का ग्लो कर रहा लाइट। चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा। सॉरी सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा लग नहीं रहा है ठीक से, कोई बात नहीं, इसको लग जाएगा ये। ये लग गया दोस्तों, देख ही सकते होंगे। अब मैं इसको लगा लेता हूँ। एक सेट तो हो गया, एक सेट बाकी है ये, तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ।
चलिए ये थोड़ा हल्का भी बजेगा तो कोई बात नहीं, ये हम लोग का लाइट ग्लो कर रहा है, देखिए सकते हैं ये थोड़ा भी ग्लो कर रहा है, ये हम लोग को विटनेस देने पर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना, तो आप लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए दोस्तों।